यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले डॉक्टर अरविंद गोयल ने अपनी जीवन भर की संपत्ति गरीबों को दान कर दी है। इस पूरी संपत्ति की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डॉक्टर गोयल ने अपने पास सिर्फ एक घर रखा है जिसमें वो रहते हैं। दान देने की जब भी बात आती है तब दानवीर कर्ण का नाम लिया जाता है। कर्ण को आज भी दुनिया का सबसे बड़ा दानी माना जाता है। कहते हैं कि स्नान के बाद कर्ण से जो भी भिक्षा में मांगा जाता था वो उसे दान दे देते थे। महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कलयुग में भी ऐसे दानवीर हैं जिन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई हंसते हंसते दान कर दी। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण दूर दूर तक नहीं दिखता जहां एक व्यक्ति ने जीवन भर कड़ी मेहनत से सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया हो फिर उसे एक ही पल में दान कर दिया हो। जी हां, मुरादाबाद के डॉक्टर अरविंद गोयल ने ऐसा ही किया है। डॉक्टर गोयल की दान की गई संपत्ति की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस में गोयल का बंगला है। बस यही बंगला उन्होंने अपने पास रखा है। रात को जैसे ही उन्होंने अपना सब कुछ दान करने की घोषणा की वैसे ही उनके नाम की चर्चा होने लगी। सुबह से ही लोग उनके बंगले पर जमा होने लगे। गोयल ने गरीबों और अनाथों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए अपनी कमाई राज्य सरकार को देने का ऐलान किया है। संपत्ति दान करने के फैसले को लेकर गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने ये फैसला एक घटना से प्रेरित होकर लिया है। ये घटना 25 साल पहले की है। दिसंबर का महीना था और वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने एक आदमी ठंड से ठिठुर रहा है। उसके पास ना तो कंबल था और ना पैरों में चप्पल। डॉक्टर गोयल ने बताया कि मैंने उसे अपने जूते दे दिए लेकिन ठंड की वजह से मुझसे भी रहा नहीं गया। उस रात मैंने सोचा कि कितने लोग ठंड में ठिठुरते होंगे। तब से मैंने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की कोशिश शुरू की। मैंने काफ़ी तरक्की की है लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपने जीवित रहते ही अपनी संपत्ति सही हाथों में सौंप रहा हूँ जिससे ये किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। मैंने अपनी संपत्ति दान करने के लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर गोयल के पिता प्रमोद कुमार गोयल और मां शकुंतला देवी स्वतंत्रता सेनानी थे। यही नहीं, उनके बहनोई मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। डॉक्टर गोयल के दामाद सेना में कर्नल और ससुर जज रह चुके हैं। गोयल को उनके सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सम्मानित कर चुके हैं। डॉक्टर गोयल पहले से भी समाज सेवा के कार्यों को लेकर प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी मदद से देश भर में पिछले 20 साल से सैकड़ों वृद्धाश्रम, अनाथालय और मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी मदद से चल रहे स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जा रही है। कोविड लॉकडाउन में भी उन्होंने करीब 50 गांवों को गोद में लेकर लोगों को मुफ्त भोजन और दवा उपलब्ध करवाई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।